तहसीलों में भ्रष्टाचार थमने का नाम नहीं ले रहा है। अब एक लेखपाल का किसान से घूस मांगते हुए ऑडियो वायरल हो रहा है। इसमें मुरादाबाद की सदर तहसील के गांव चौधपुर शाह आलमपुर के किसान द्वारा गांव के लेखपाल संजीव कुमार व अवैध वसूली का आरोप लगाते हैं, जिसमें लेखपाल द्वारा 80,000 रुपए लेने की बात कही गई है। पहले सुनिए आप ये वायरल ऑडियो। हाँ नमस्ते भैया। नमस्ते। हाँ भैया, आप क्या करना है इसमें? भैया कानून के साहब आएंगे, ठीक है? हाँ। वो बताएंगे अब आगे। अच्छा, और बहुत जगह तो हो सकता है पैसे बुलाए तुम्हें। हाँ? हो सकता है पैसे बुलाए तुम्हें। पैसे मिल जाए हमें? हाँ पैसे बुलाए। अच्छा हाँ चलो। हाँ नमस्ते भैया। नमस्ते। हाँ भैया, आप क्या करना है इसमें? भैया कानून के साहब आएंगे, ठीक है? हाँ। वो बताएंगे अब आगे। अच्छा, और बहुत जगह तो हो सकता है पैसे बुलाए तुम्हें। हाँ? हो सकता है पैसे बुलाए तुम्हें। पैसे मिल जाए हमें? हाँ पैसे बुलाए। अच्छा हाँ चलो। कहा हूँ घर ही? अरे कोई धोरण नहीं लेता ना, सही बता दियो जहाँ बैठे हो। है कोई धोरण नहीं लेता ना, सही बताना जहाँ बैठे हो। ना ना घर ही बताओ। ना कभी मलकद्दे वलकद्दे में हूँ? ना ना मलकद्दे तो जाते ना हूँ मैं। देख लियो। हाँ हाँ बताओ तो है। अच्छा लेखपाल जी से बात हुई अभी मेरी। हाँ अच्छा ठीक है, तुम्हारे सामने कोई दिक्कत ना, तुम तो भी सुनो सुनाई करियो। अच्छा रिकॉर्डिंग तो ना कर रहे कहीं? हैं और रिकॉर्डिंग तो ना कर रहे? अरे यार अंजित भाई यार क्या बात कर रहे हो यार। सुनो बात हो गई। अच्छा तुम्हारी देखा जा रहा है तुम्हारी कह दिए थे। अच्छा तुम्हारी मित्र पाल के मैं देरी बड़ा, तुम टेंशन मत लो बात की, ठीक है ना? ठीक है तो जो है वो देंगे। और जो तुम्हारी पुरानी वाली है ना, पुरानी पुरानी वाली जो है पुरानी वाली पे जो वो अपना इंडिया से पुरानी वाली पे काम स्टार्ट करा। चलो ठीक है लेखपाल और कानून को तुरंत आने मौके पे। अच्छा ठीक ठीक अरे सही है ना? हाँ हाँ ठीक है। अरे मैं घबराने की कोई जरूरत, सुनो घबराने की कोई जरूरत नहीं, लगना तो बिल्कुल ठीक है। जो पुरानी वाली है उससे अपना काम स्टार्ट करा दियो। चलो चलो जो अधिकारी आ रहा है पीएम आवाजीएम आवाज लेखपाल जी खुद जवाब देंगे। ठीक है ठीक है ठीक है। और कुछ ना ना इतने चाहिए मुझे, और क्या है? सही है ठीक। तुम लड़ना तो है नहीं सकते भाई, हम बता रहे हैं तुम्हें। यार अपन इससे दो सुन लो ना, सुन लो कोई भी आ रहा है डीएम आओ जाओ मेंबर आओ जाओ तहसीलदार आओ, लेखपाल जी जवाब देंगे। ठीक है सही सही क्या है और गलत क्या है? ठीक है बस। और क्या जा रहे हो तुम? ना बस यही जा रहे हैं यार, तो वो हम तो तुम बाहर हो ना रहे। वो अपनी पुरानी वाली पे काम चालू करा दियो, चाहे 100 नंबर आवे ठीक बुलाया जाएगा लेखपाल जी को, लेखपाल जी तुरंत आने हम भी आने कानून साथ भी आने। ठीक है ठीक है ठीक है बस एक ध्यान रखियो कानूनों के लिए चाय पानी की व्यवस्था रखियो। अरे यार चाय पानी तो हो जाएगी यार, चाय पानी वैसे नहीं समझे करो बात। तो चाय पानी वैसे नहीं कितना कितना हो जाएगा? तुम तो ऐसा मानिए तुम तो 10 इंजाम करके चलियो, जहाँ भी तुम्हारी वो हो जाए जैसे जान में मौके पे सिर्फ डाल देंगे, तुम्हें दिक्कत कुछ नहीं आएगी। घोसले के जितने कल नेता बनने हैं ना सबको जवाब हम देंगे, कानून देगा। ठीक है ठीक ठीक है। और कुछ बस बस तुम्हें को काम तुम्हारा चालू होना है पुरानी पुरानी वाली दीवार पे। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है बेधड़क, और किसी से जिक्र मत करना क्या फोन आया ना। ना अरे क्या बात कर, ठीक है ठीक है। लेखपाल जी ने कह दिया कानून से भी सबसे
चलो चलो जब चलो आ चलना चाह रहे चलो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है ठीक है ठीक है भैया ठीक है ठीक है मत करना किसी से इस बात का बिल्कुल एकदम हवा की तरह फैल जाओ। तो मैं तो जो कल भर रहे हो सर ऐसे पड़े नहीं ईटे उठा ले वो वाली। अरे वो इधर वो इधर ठा के अपनी पुरानी वाली पे लगाओ तुम्हें तो जगह से मतलब जगह हम बदल देंगे मित्र वाली मचो तो क्या कुछ करें। ठीक है तुम्हें क्या टेंशन। ठीक है तो ठीक है वो ठा गए और अपनी जो पुरानी वाली है उसको काम चालू करा तो कोई कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है तो नित्रपाल जी ने कह दी। चलो ये नित्रपाल ने फाइल करे सर हाँ कोशिश कर दीजिए करता है यार यूँ बच गया होगा। ठीक है तो इस बार की टाइम पे मतलब जवाब हम देंगे यार पुलिस आओ 100 नंबर आओ 200 नंबर आओ। ठीक है ना बनने तो हम बोल रहे ठीक है तो दिक्कत नहीं है तुम तो अपनी पुरानी की स्टार्ट देंगे। सही है चलो ठीक है ठीक है ठीक। किसान द्वारा गांव के लेखपाल संजीव कुमार पर अवैध वसूली का आरोप लगाते हुए जिला अधिकारी मुरादाबाद को एक प्रार्थना पत्र सौंपा गया जिसमें लेखपाल द्वारा 80,000 रुपए लेने की बात कही गई। शिकायती पत्र के बाद जिलाधिकारी मुरादाबाद द्वारा किसानों को आश्वासन दिलाया गया और जांच करने की बात कही गई है। अब आप अपनी स्क्रीन पर किसानों द्वारा दिया गया शिकायती पत्र भी देख सकते हैं। किसान द्वारा बताया गया कि गांव का लेखपाल जमीन की पैमाइश के नाम पर 80,000 रुपए की मांग कर रहा है। वह पैसे देने के बाद भी उसकी जमीन की पैमाइश नहीं की गई जिसका ऑडियो भी वायरल हो गया। लेखपाल के मुंशी अमजद द्वारा कहा गया कि किसान मेरे सामने लेखपाल को रिश्वत की रकम दी है जबकि लेखपाल द्वारा इस मामले से कोई लेना देना नहीं बताया गया। मुरादाबाद सदर तहसील के तहसीलदार नितिन तेवतिया द्वारा जांच करने की बात कही गई है। अब देखना यह होगा कि किसको प्रशासन पीड़ित को क्या मदद दे पाएगा और क्या जांच की जाएगी। सुनिए पीड़ित किसान मुंशी लेखपाल व तहसीलदार से जब हमारे संवाददाता ने बातचीत की तो उन्होंने क्या कहा। क्या नाम है आपका? सिप्ते हसन। सिप्ते हसन जी कौन सा गांव है जहां रहते हैं आप? शाहलमपुर। कौन से गांव का मजरा है ये? जोधरपुर शाहलमपुर। क्या हुआ था आपके साथ? जी मैंने मालिक से नित्रपाल से सनोप हरि सिंह से मैंने जमीन ली थी 13 मीटर ऐसे थी 21 मीटर ऐसे थी जो उन मालिक ने मुझे नहीं भर के दी थी। मैं लेखपाल मैंने जब मिट्टी का कार्य करा तो लेखपाल का मुंशी आया कहने लगा ये ग्राम समाज है। तो हम मालिक और हम दोनों जने तहसील पहुंचे हमने कहा ग्राम समाज है तो निकाल लीजिए। तो उन्होंने हमसे 4 दिन का टाइम मांगा कि 4 दिन का टाइम दो हम आ जाएंगे ना। आपने लगभग 10 दिन हो गए वो आ नहीं पाए तो हमने उनसे फिर फ़ोन करके कहा भाई हम नहीं भर रहे हैं अब नहीं आ पा रहे। तो तुम सांझ को दोनों जने आए उन्होंने पीता डाला तो हमसे मालिक से हमसे बोले भाई ये ग्राम समाज वहाँ से वहाँ तक निकल रही है तुम आकर तहसील मिलो हमसे। गांव वालों ने बतरा पूछा किसी ने कुछ नहीं बता कर दिया चले गए। वहां जाकर हमसे ऐसा ऐसा डराया भड़काया और हमसे पैसे हड़पे उन्होंने। कितने पैसे लिए आपसे? जी 85,000 रुपए लिए। किस नाम पे पैसे लिए गए थे? कि हम तुम्हें थोड़ी सी और 2-3 मीटर जगह बढ़ा कर दे देंगे। ग्राम समाज की जमीन के पैसे? हाँ जी। तो मैंने जब भरनी चालू करी तो गाँव को ऑब्जेक्शन उठाया तो मैंने जमीन वहाँ ही रोक दी। वो दीवार उठा कर मैंने अपने अंदर कर ली और मैं पैसा वापसी मांगता हूँ तो मैं देना मना करता है। अच्छा कुछ तुम्हारे पास कोई ऑडियो भी है जो तुमने ऑडियो दी है क्या? वो ऑडियो में क्या है? ऑडियो मैंने दे चुका हूँ मैं आपको। क्या है उस ऑडियो में? जी उसमें जो उसका मुंशी बोल रहा है जो कानी गोए लेखपाल आए थे उसकी सारी बातें हैं उसमें। क्या होगा कह रहे हैं कि भाई इन्हें भी पैसा चाहिए और दिलवाया मुझसे उन्होंने पैसे की मांग करी और पैसे दिलवाया आपसे। जी उसकी ऑडियो है आपके पास? जी है। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम अमजद है। अमजद भाई आप क्या काम करते हैं? मैं तहसील में एडवोकेट हूँ। तो जैसे एक आज एप्लीकेशन लगी है पीड़ित ने कहा है कि लेखपाल ने पैसे लिए हैं तो क्या क्या मामला है पूरा ये आपकी नॉलेज में क्या है? हमारे सामने पैसे लिए हैं लेखपाल जी। कितने पैसे लिए थे? 80,000। लेखपाल साहब का नाम क्या है? संजीव शरावत। गाँव कौन से गाँव के लेखपाल हैं ये? सहारनपुर। कब की बात है कब पैसे लिए थे? अभी महीना मतलब 19 तारीख को पैसे लिए। अच्छा आप जब पैसे पैसे के लिए कहते हैं तो क्या कहते हैं लेखपाल साहब? आपकी बात हुई होगी। मना करता है। क्या कहते हैं? किस चीज़ के लिए पैसे लिए थे उन्होंने? जमीन पर कब्जा कराने के लिए लिए। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम संजीव सहरावत है। कौन सा गाँव के लेखपाल हैं? मैं लेखपाल हूँ। लेखपाल के अंतर्गत मेरा क्षेत्र आता है चौधरपुर। चौधरपुर में 3 गाँव हैं चौधरपुर ज्ञानपुर और शाहलमपुर। एक किसान ने आरोप लगाया है कि आप जमीन की पैमाइश के नाम पे आपसे आपके द्वारा पैसे वसूल रहे हैं, क्या है पूरा मामला? जो आप बता रहे हैं एक सिप्ते का मामला चल रहा है। सिप्ते सनोफ अशरफ है शायद, ये शाहलमपुर का है। ये था कि ये
इन्होंने गांव वालों की सहमति से ये कहता है कि मुझे ज़मीन दे दिए गांव वाले तो लेखपाल कौन होता है। मैंने पुलिस की मदद से उसको तुड़वाया भी है। जब पहले हम गए थे तो पहली जांच में पाया गया कि दीवार करता था, तो इसने कहा मैं पश्चिम की ओर बनाऊंगा, लेकिन इसने 270 घाटा में ज़मीन बना जगह बनानी शुरू कर दी। हमने उसके पुलिस की मदद से उसको ढवा दिया, फिर दोबारा बनाने की कोशिश करी, दोबारा ढवा दिया। जब नहीं माना तो हमने 13 तारीख को 122 बी के तहत इसके तहसील में मुकदमा कर दिया। अभी दबाव बनाने के लिए कर रहे हैं कि इन्होंने पैसे ले लिए इस तरह से। जैसे आप बता रहे हैं कि आप मुंशी रहे हैं, अमजद नानू का, वो भी कह रहे हैं कि मेरे मुंशी नहीं है वो, यहाँ पे एडवोकेट का काम करते हैं या फिर किसी और के मुंशी होंगे, मेरे साथ काम नहीं करते। और जो भी है उनके गांव के आसपास रहते होंगे, रहते हैं शायद, तो वो उनका आपस का अगले साल जो इलेक्शन है प्रधानी का, शायद उस चक्कर में। और ऑडियो भी वायरल हुई है जिसमें ऑडियो में आप उनसे पैसे मांगते हुए बता रहे हैं, वो ऑडियो दी है उन्होंने? किस प्रकार? कोई ऑडियो नहीं है, अगर ऑडियो है तो प्रस्तुत करें। सर आपकी तहसील में एक लेखपाल है संजीव सिराज जी, तो उन्होंने अपने हल्के के किसानों से जमीन को नापने के नाम से कोई पैसे लिए हैं और कोई शिकायत का दर्ज किया उसकी हुई है, क्या कहना है? हाँ, इस संबंध में एक शिकायती पत्र कल प्राप्त हुआ था जिसमें किसी लेखपाल द्वारा पैसे ले जाने की कोई प्रकरण सामने आया है, उसके संबंध में भी जांच कराई जा रही है। और जांच कराए जाने के बाद जैसे ही प्रकरण सामने आएगा तो जो भी विधिवत कार्रवाई उनके विरुद्ध की जाएगी। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर बेल आइकन को दबाएं।